कि संसार में मनुष्य किस चीज को पाकर भूल जाता है और भूल का परिणाम क्या होता है। यदि आप गुरु आने का रास्ता भूल जाओ, आप बीमार हो लेकिन दवाई खाना भूल जाओ, आपको डॉक्टर ने परहेज बताया है परहेज करना भूल जाओ, डॉक्टर ने कहा है कढ़ी मत खाना तुम कढ़ी पी लो, तो क्या परिणाम होगा? एग्जामिनेशन आ गया है, तुमने पाठ याद किया है, परीक्षा में पहुंचे हो और पाठ भूल गया, क्या परिणाम है? फेल हो गए। भूल का परिणाम हमेशा दुख, असफलता, हानि। एक आदमी अपने सिर में मुक्का मार रहा था, मैंने कहा क्या बात है? बोले वाइफ ने सामान लाने को कहा था, वो भूल गया है। तो मैंने कहा खोपड़ी में मुक्का मार रहे? बोले कहीं अटका वटका हो तो याद आ जाए। स्मरण, ये स्मरण सबके पास में बराबर स्मरण शक्ति नहीं मिलती, और यदि अपनी स्मृति को बढ़ाना चाहते हो बस एक काम करना, पैसा तो खर्च नहीं होगा लेकिन आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी, किसी से ईर्ष्या ना करना, किसी दूसरे के लफड़े में पचड़े में झगड़े में फंसना ही मत, दूर रहो, और सदैव प्रसन्न रहना। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर तिष्ठते, प्रसन्न रहने से बुद्धि का स्मरण पड़ता है, और दिन में 10-20 बार हंसने से बुद्धि की मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मैं ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई अब नहीं करता, टाइम भी नहीं मिलता है, लेकिन पहले जो पढ़ा हूं वो भूलता ही नहीं, क्यों? सिर्फ हंसता हूं, बस हंसता हूं और प्रसन्न रहता हूं। किसी प्रकार की हानि तुमको दुख में ढकेल न सके, कोई नुकसान तुम्हारे मन को परेशान न कर सके, और कोई भी उपलब्धि तुम्हारे अहंकार को बढ़ा न सके। अगर ये साधना करना आ गया तो तुम हमेशा प्रसन्न रह सकते हो, हंसते हुए रह सकते हो, और जिसकी स्मृति स्ट्रांग है वो व्यक्ति बहुत उन्नति करता है, बहुत विकास करता है। ये भोलू राम से विकास होने वाला है भी नहीं, ऐसे ऐसे भोलू राम हैं, मोटरसाइकिल यहां खड़ी करते हो चाबी कन्हारपुरी में ढूंढते हैं जाकर। मोबाइल घर में छोड़ के आए और सत्संग में ढूंढ रहे, अनाउंस करवा रहे कि मोबाइल कोई पा गया हो तो दे दो, घर में ढूंढो जाकर, फालतू परेशान मत करो।